अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बने सिंह तुम लोग उठ जाओ वहां से, तुम बैठे रहो बने सिंह। कुछ दिन पहले अभी एक जनसभा द्वारा आयोजित की गई है और हर लोकसभा क्षेत्र में समन्वय के रूप में सभी हमारे जितने भी ऑल इंडिया के समन्वयक मीडिया प्रभारी जितने हैं उन सबको भेजा जा रहा है। कल उज्जैन की लोकसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कई वरिष्ठ नेतागण हमारे पूरे मध्यप्रदेश के बाकी बचे हुए जो लोकसभा क्षेत्र अभी चुनाव के हैं जहाँ पर उसे दौर बनाया है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाऊँ कि आपके बीच में रहेंगे, सेवा का संकल्प लेके इस क्षेत्र में आपका आशीर्वाद सबका आशीर्वाद तक काम करना, ये मेरा आपको विश्वास दिलाऊँ। साध्य पवित्र है, ये सब साधारण है, साधारण वो जो हमारी आइडियोलॉजी मिले हैं उनकी आइडियोलॉजी मिले हैं, हम उनकी किसी कोई दूसरी आइडियोलॉजी, एक ही आइडियोलॉजी है वो इंडिया की आइडियोलॉजी है कि हमको एनडीए को हराना है इस देश के साथ। आगे आप आगे का कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो घुसपैठियों को सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जिस कम्युनिटी को लेकर उन्होंने कहा ये बात, उस कम्युनिटी का देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लिहाज तक एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। उन्होंने क्रांति में हर कदम हमारा साथ दिया, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी अपमान है जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के प्रमुख थे। ये उनका अपमान है, वीर अब्दुल हमीद का अपमान है जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पेंटन टैंक के सामने अपनी छाती खोल के खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, भारत माता मेरे सरकार में आई तो सारा संसाधन मुसलमान उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में आई तो सारे संसाधन मुसलमानों को दे देगी। ये बताइए इससे पहले हमारी सरकार रही, हम तो कहते हैं कि समाज के सब सारे समाज को साथ लेके चलते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। आपने जो उन्हें आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने उसका आधार निकाला था, आधार तो निकला, आप हिंदू मुसलमान पे आ रहे हैं, हम नहीं है वो आए हैं, धर्म की बात क्या था इस देश में। अगर कोई झूठ तो आप 20 बार 21 बार 22 बार नहीं, आप या तो बहस के लिए क्या कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन फकीर का झोला भारी हो गया है। अब उसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के पैसे, पीएम केयर फंड के पैसे, जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेची गई उसके पैसे, हम ऐसे आपको झोला लेके जाने नहीं देंगे। देश की 140 करोड़ जनता आपका झोला चेक करेगी कि मोदी जी आप इसमें क्या लेके जा रहे हैं। आप इसमें भारत के युवाओं का भविष्य आपने कैद कर दिया है। किसानों की बात करते हैं, वो किसान जो कभी मौसम से नहीं हारा, सर्दी गर्मी बरसात से नहीं हारा, लेकिन वो किसान घोषणा पत्र ज्यादा पढ़ते हैं, वो प्रचार मंत्री है, प्रचार भाजपा का छोड़कर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। भाई हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे सारे खाते उन्होंने सीज कर दिए हैं, कि हर प्रोग्राम में अभी देखिए सज्जन भैया भी कहने लगे अगर कांग्रेस आई तो कल से अभी साथ भी कहने लगे, इसका मतलब इनकी जान चुके हैं कि रेत की दीवार कागज का लिबास बदन से उतार दो पानी बरस पड़ेगा, कहां मुंह दिखाओगे, तो पानी बरसने वाला है, उनके कागज का लिबास फटने वाला है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन आपने सिर्फ मोदी के अलावा कहीं कोई बात नहीं, भाई जी हमें लड़ना किसे, हमें उनके झूठ से लड़ना, उनके जुमला से लड़ना है तो हम उन्हीं की बात करेंगे। भाई जो देश को उन्होंने गुमराह करके रखा है झूठी बातों में अपने जुमलों में, हम तो मतलब मोदी वर्सेस कांग्रेस के लड़ाई, मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए। ठीक है, दूसरा मेरा एक सवाल है कि ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात हो गई, भैया 2 मिनट रुकिए ना भाई साहब, पीछा लोग थोड़ा पूछने दो यार, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, मुद्दे की बात ये करते हैं अपन। अरे नहीं नहीं भैया, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव में जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों को लेके लोग जनता के बीच में जाते हैं, वो मुद्दे सत्ता पक्ष की डिक्शनरी से गायब है। 10 साल में उन्होंने क्या किया इसके नाम पे और नहीं मांग रहे, अब उनको धर्म की राजनीति करनी है, नफरत की राजनीति करनी है। जब आप उनसे कहिए कि आखिर देश में जो आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार कहां है, तो चुप हो जाते हैं। जब आप उनसे कहिए वो जो वादा करके आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, ये किसी सारे का विकास पत्र में लिखा है, तो हम तो झूठ से लड़ रहे हैं, दिवास लोकसभा के लोगों को बताएंगे कितना बड़ा झूठा व्यक्ति आपने संसद में भेजा था, जो अभी भी झूठ बोलने से उसको जरा भी परहेज नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं
गलानी हो जाए बहन सोलंकी को और ईमानदारी से आके बोल दे हमारा विजन साफ है, महंगाई कम हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। 15 लाख रुपए डले क्या? नहीं डले। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। वो फूफा वाला बाबा कहाँ गया? वो मैं आपको ठोकना चाहता हूँ, आपका प्रश्न ठीक है लेकिन पहला शब्द मोदी का इंडिया गरीब बंदा, इंडिया गरीब बंदा ने माफ किया, इंडिया मान लेंगे जब आपका साथ पवित्र होता है। दर्शन साथ में एक बड़े अच्छे विद्वान थे डेकार, उनका एक था कि साथ की समस्या, जब आपका उद्देश्य पवित्र होता है तो बहुत से समझौते पवित्र उद्देश्य के लिए करने पड़ते हैं। हमारा हृदय खुला है, हम देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत से ऐसे समझौते जिंदगी में होते हैं। आप लोग भी घर में भी होते हैं, समाज में है, तो यदि मैंने विकास किया हो गया, मैंने पवित्र मन से काम किया तो मेरी गुजारिश है कि मैं झोली फैला के वोट मांगता हूँ राजेंद्र जी। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी कदर तो यहाँ का मतदाता मेरी करता है कि मेरी गुजारिश खाली है। सब एकजुट है, सब एकजुट, संगठन एकजुट है, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा बढ़िया है कि ना कहूँ उसे दो चीज़ ना कहूँ। ये 400 पार को लेकर फिर बहस छिड़ गई है, कोई कह रहा 270 पे, कोई कह रहा 200 पे। आपको क्या लगता है कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो एक ही जुमले बैठ के 400 पार इतना बहुमत मिलेगा? ये तो झूठ बोलने की फैक्ट्री डाल रखी है नरेंद्र मोदी ने, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर है अमित शाह, नड्डा, राजनाथ, ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। ये झूठ की फैक्ट्री का माल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग सत्य की राह पे जो गांधी जी ने दिखाई थी उस पर चलेंगे। इस बार सरकार वो बनेगी जो समरसता का सिद्धांत है। ठीक, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और भारतीय जनता पार्टी है कहे हम तो सीधे सीधे मोदी जी पे निशाना साधा, क्या इसका उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ऑल ओवर ऑल इंडिया चुनाव को लेकर लोकसभा के आपको क्या कहना? देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे नेता राहुल गांधी का उद्देश्य है, जो हमारे इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि देश में बेरोजगारी दूर हो, युवाओं को उनका अधिकार मिले, महिला सुरक्षा हो, देश वास्तविक अर्थों में प्रगति करे। और जो देश की जो संपदा है, जो पैसा है, जो मोदी जी अपने गिने चुने मित्रों को जेबे में डाल रहे हैं, वो पैसा देश के लोगों में जाए, बेरोजगारी खत्म हो, उद्योग धंधे लगे, देश में एक सामाजिक सरसता जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान रही है, सामाजिक एकता रहे, सामाजिक समरसता रहे, लोकतंत्र बचा रहे, हम सब मिलकर जो हिंदुस्तान की पहचान पूरे संसार में और संसार में हमारी पहचान कायम रहे, ये उद्देश्य। क्या क्या लगता है आपको एक बार फिर इंडिया वर्सेस एनडीए आमने सामने, आपने कहा 2-0 से आगे, अभी तो आए नहीं रुझान, दो चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेताओं की भाषा जनसभा में उनकी बौखलाहट देखिए, अब सीधे सीधे धर्म और जात के उतर आए हैं, क्योंकि 10 साल उनको काम तो किया नहीं कि काम के आधार पर वोट मांगे, उनके चेहरे की बौखलाहट, उनके चेहरे का रंग ढंग बता रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगले चरण के पहले पहले मोदी जी किसी स्टेज पर होते हुए मिलेंगे, आप जरूर रोएंगे भावनात्मक रूप से, क्योंकि उनके पास कोई काम का जवाब नहीं है, कोई काम के नाम वोट नहीं मांग सकते, ये उनका काम है, उसमें लग गए हैं। उनके चेहरे की बौखलाहट बता रही है कि 2 चरणों में इंडिया गठबंधन 2-0 से आगे। ये अंतिम सवाल मांगे, इस बार 400 पार क्या लग रहा है आपके? 400 पार मोदी जी जुमला प्रॉपर्टी, जुमला कंपनी है, उसके सीएमडी है, उसके सीईओ है, उसमें तो 400 पार 500 पार कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धरातल में एनडीए गठबंधन 150 सीटें नहीं पार कर रहा। एक अंतिम सवाल, एक बार फिर जो है जुमलेबाजी चालू हुई, मंगलसूत्र का जो है कहीं ना कहीं एक मामला उठा, क्या कहना आपको? देखिए ऐसे भजन भैया ने कहा कि अगर उनको इतनी कदर थी तो अपने यशोदाबेन का मंगलसूत्र की कभी उन्होंने कदर की? हाँ, मैं मंगलसूत्र की हमें कदर है, क्योंकि हमारी नेता सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश की आज़ादी और अखंडता को बचाने के लिए उनके पति का बलिदान हुआ है। मोदी जी को तब सुन नहीं आई जब मणिपुर में हजारों महिलाओं का मंगलसूत्र गया, बहु बेटियों का मंगलसूत्र गया, पुलवामा में कितने जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र गया, ये सिर्फ जुमला है। तो प्रियंका गांधी जब इसका जवाब दिया, मोदी जी तब से जवान बंद है, मोदी जी को इन सब चीज़ों पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक डेडलाइन दी है, हाथ बदलेगा हालात, अगर हम इसको प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से अगर हम इसको एनालिसिस करें तो ये एक लाइन एकदम कॉन्ट्रास्ट है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमारा हाथ इस देश के आवाम के साथ है, हम चाहते हैं हर हाथ को काम, हर हाथ में तरक्की, हर हाथ को खुशहाली, हर हाथ को रोजगार मिले, इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी का टैग लाइन है, कांग्रेस की टैग लाइन है कि हाथ ही हाथ हालात बदलेगा।